हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोल्डर। मैं आपके लिए लाया हूं एक नया मोटिवेशनल वीडियो। ये वीडियो बेसिकली मेरे लाइफ से रिलेटेड है। वैसे तो अभी और आगे बढ़ना है, लेकिन जो भी अभी तक मैंने लाइफ में अचीव किया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, मेरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है ना, वो है इंडिया के नंबर वन और वर्ल्ड के नंबर थ्री आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पे जॉब हासिल करना, जो कि है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया था। मैंने क्या किया, फिर से ट्राई किया। मैंने अलग अलग वेबसाइट्स में जाके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो भी परचेज किया, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, वो किया, और नेक्स्ट ईयर फिर अपियर हुआ और फाइनली मैंने एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों क्रैक किया। तो देखिए, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? यदि मैं गिव अप कर देता या फिर हार मान जाता तो क्या आज मेरे पास ऐसी जॉब होती? नहीं ना। तो इसे यार, लाइफ में गिव अप मत करो, अपने फेलियर से और स्ट्रांग बनो और फिर से ट्राई करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और देखिए, मेरा जो दूसरा एंड तीसरा अचीवमेंट है, ये दोनों रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको साथ में बताऊंगा। देखिए, जब मैंने बीटेक पे एडमिशन लिया ना, तो मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा, क्योंकि मेरा जो कॉलेज था वो घर से काफी दूर था, तो इसलिए पॉसिबल नहीं था कि घर से अप डाउन कर पाना। तो क्या हुआ था कि जो पहला डे था ना, उसमें मैंने बहुत रोया था। वो इसलिए क्योंकि मैं पहली बार फैमिली से दूर हो रहा था और मैं काफी डरा भी हुआ था, क्योंकि इंजीनियरिंग का मुझे ई भी नहीं आता था। लेकिन मैंने क्या किया, एक दिन आराम से बैठा और सोचने लगा कि यार, मुझे रोते रहना है या जिंदगी में कुछ करना भी है। फिर मैंने ये भी सोचने लगा, यार अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, फैमिली का भी सपोर्ट है, मुझे करना क्या है, सिर्फ पढ़ना ही तो है। फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। अप्स एंड डाउन्स हुए, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। मुझे याद है कि मैं 15-15, 16-16 घंटे पढ़ता था और मैंने इतना मेहनत किया कि यही रीजन है कि मैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे बीटेक का हाई स्कोरर रहा और मुझे एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद भी मैं नहीं रुका, मैं मेहनत करता गया और बीटेक के 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद मैंने जो है पूरे बीटेक का 90% मेंटेन कर लिया था। मेरे टोटल जो सीजीपीए बने थे वो 9.5 सीजीपीए बने थे, जो कि हाईएस्ट थे, और यही रीजन है कि मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि बंदा एंट्री के टाइम पे कितना रोया और जब कॉलेज से बाहर आ रहा है तो वो गोल्ड मेडल के साथ बाहर आ रहा है। तो हो सकता है आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा मोड आए, तो उस टाइम क्या करना, बिल्कुल हार मत मानना, आप डट कर आगे बढ़ना। मेरा जो अगला अचीवमेंट है वो 20 सर्टिफिकेशंस का है। देखिए, 2017 में क्या हुआ था कि मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग कोर्सेज किए थे और मुझे टोटल 20 सर्टिफिकेट्स मिले थे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए कि जब मैं क्लास 7th में था ना, तो उस टाइम पे मेरे स्कूल पे एक कंप्यूटर टीचर को हायर किया गया था और मुझे कंप्यूटर से इतना डर लगता था कि मुझे कंप्यूटर देखना पसंद नहीं था, मुझे कंप्यूटर को टच करना पसंद नहीं था। तो क्या हुआ था कि जो टीचर को हायर किया गया था वो हमें माउस पकड़ना सिखा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो मुझे बुलाए और मुझे माउस सही तरीके से ऑपरेट करना नहीं आया था। तो मुझे अभी भी याद है कि मुझे जोर की पड़ी थी उसी हाथ में जिस हाथ से मैंने माउस पकड़ रखा था। तो मुझे ऐसे ऐसे दिन देखने पड़े थे। एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है कि मैं आज इसी चैनल पे लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें बताता हूँ। ये जो कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग जो है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और मैं लोगों को पढ़ाता हूँ। तो ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं लाइफ में। मेरा जो अगला अचीवमेंट है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन का। देखिये, मैंने 10th बोर्ड कम्प्लीट हिंदी मीडियम से किया है। यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे होंगे तो मुझे पता है कि आप में किस तरह का प्रॉब्लम आ रही होगी। तो देखिए, इंग्लिश के लिए भी है ना, मैंने दिन रात मेहनत की है, लोगों के ताने सुने हैं, गिल्टी फील किया है, क्योंकि मुझे जहां पे मन करता था मैं इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देता था। तो लोग बोलते थे कि यार, पता नहीं ये बंदा क्या क्या करते रहता है। तो ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। लेकिन मैंने इंग्लिश में इतना मेहनत किया कि यही चीजें मेरा स्ट्रेंथ बन गया। अभी जो भी मेरे पास है, हो सकता है इंग्लिश का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। तो इंग्लिश के लिए मैं एक नया वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें ये बताऊंगा कि यार, इंग्लिश के लिए मैंने क्या क्या किया, मुझे कौन सी दिक्कतें आई, मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, मैंने कहां से सीखा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिली होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें और मिलकर आगे बढ़ें। तो धन्यवाद। हैप्पी जर्नी ऑफ लाइफ।